हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्किल डेवलपर में। जो आज हम वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो रिगार्डिंग है रीड अलाउड सेक्शन। जैसे कि मैंने पहले भी दो वीडियोस बनाई हैं अबाउट पीटीई इन हिंदी। फर्स्टली जो फर्स्ट वीडियो थी वो ओवरऑल पीटीई के रिगार्डिंग थी, जो सेकंड वीडियो थी वो पीटीई स्पीकिंग के बारे में थी। तो जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो only about read aloud. This is one of the most important section from PTE speaking. ये जो read aloud है ये first section है PTE test का, because सबसे पहले आपकी speaking होती है और speaking का सबसे पहला section है read aloud section. तो आज हम deeply read aloud के बारे में बात करेंगे। Firstly मैं आपको read aloud के बारे में बताना चाहता हूँ। जो रीड अलाउड सेक्शन है इसमें आपको 7 से 8 पैराग्राफ आ सकते हैं, और दूसरी बात के हर एक पैराग्राफ ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ड्स का होगा। 60 वर्ड्स से ज्यादा पैराग्राफ नहीं होगा, मींस 99% जो एक पैराग्राफ है वो 60 वर्ड्स तक होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ आएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होंगे, सिंपल वर्ड्स होंगे। आपने वो पैराग्राफ पहले आपको टाइम मिलेगा उसको पढ़ना है 30 सेकंड्स के लिए, देन बीप की आवाज़ आएगी, देन आपने उसको वो आपके जो माइक्रोफोन है उसमें उसको रिकॉर्ड करवाना है। तो जब आप उसको रिकॉर्ड करवाना है तो आप जब आपको टाइम मिलेगा प्रैक्टिशन में उसमें आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपने रिकॉर्ड करवाना है, कहाँ पर आपने स्लो होना है, कहाँ से फर्स्ट देना है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। जो मेन क्वेश्चंस अबाउट रीड अलाउड है वो होते हैं, व्हाट इज रीड अलाउड, हाउ मैनी पैराग्राफ्स वी कैन गेट इन एक्चुअली एग्जाम, व्हाट शुड बी रीडिंग स्पीड, हाउ वी शुड रीड एंड हाउ वी कैन प्रैक्टिस। What is read aloud? मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया। इसका मतलब है कि आपको पैराग्राफ आ जाएगा, उसको आपने ऊंची आवाज में उसको आपने रिकॉर्ड करवाना है अपने माइक्रोफोन में। दूसरी बात है हाउ मैनी पैराग्राफ्स वी कैन गेट इन एक्चुअल एग्जाम, आपको 7 से 8 पैराग्राफ आ सकते हैं इन एक्चुअल एग्जाम। वट शुड बी रीडिंग स्पीड, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो इसमें पहले हम स्पीड से पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमने पहले ही वीडियो में बात की थी कि 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्पीकिंग में, जो हम जैसे प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी। तो प्रोनंसिएशन का मतलब फिर वही है कि आपकी आवाज़ जो क्लियर होनी चाहिए, जो आप वर्ड बोल रहे हो वो कंप्यूटर को समझ आने चाहिए कि इंग्लिश के वर्ड आप क्या बोल रहे हो, तो वो उसको रिकॉर्ड कर सके, उसको समझ चल सके कि ये वर्ड का मीनिंग ये वाला है, वो होती है प्रोनंसिएशन। इंटोनेशन मीन्स जब हम बात करते हैं तो वो ऐसा ना लगे कि कोई रोबोट उसको पढ़ रहा है, वो मीन्स कोई आप फुल स्टॉप नहीं दे रहे, कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हो, कोई कहीं रुक नहीं रहे हो, कहीं स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, तो उसका मतलब होता है इंटोनेशन। थर्ड वन इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मीन्स होता है कि जब आप पढ़ रहे हो रीड अलाउड में पैरा पढ़ रहे हो तो आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ो, मीन्स जहाँ पर एक्चुअल आपको रुकना चाहिए वहाँ रुको, ऐसे नहीं हर जगह पे रुको, बहुत स्लो पढ़ो तो वो भी आपके जो इसके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसके मार्क्स होते हैं कि आपने इंटोनेशन के मार्क्स डिफरेंट होते हैं, प्रोनंसिएशन के मार्क्स होते हैं, फ्लुएंसी की होते हैं। तो आपके जो आप सब्जेक्ट है, जो आप जैसे रीड अलाउड का पैरा है उसमें कंटेंट है वो कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, उसके मार्क्स अलग होते हैं। मीन्स अगर आपकी फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन एंड इंटोनेशन अच्छी है तो आपका वो कंटेंट भी उतना मैटर नहीं है। अगर ये तीन फैक्टर हैं जो अगर आप इसको कवर अप कर लेती हो तो ये बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी होती है कि आपके ये तीन फैक्टर अच्छी तरह आप कवर करो ताकि आपकी जो ओवरऑल स्पीकिंग के स्कोर वो इंक्रीज हो सके। तो जो इसकी मैं समझता हूँ, जितनी मैंने रिसर्च की है अबाउट पीटी स्पीकिंग और अबाउट पीटी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए 25 to 30 सेकंड्स।
मींस आप जो पैराग्राफ है 25 to 30 seconds में कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम तो 40 seconds है, लेकिन आप 30 seconds में भी ख़त्म करते हो और 25 में भी ख़त्म करते हो, तो आपकी स्पीड गुड है, आपकी अच्छी स्पीड है एक रीड लाउड पढ़ने के लिए। अगर आपने 15 seconds में कर लिया तो इट मीन्स आप ज़्यादा तेज बोल रहे हो। अगर आपने 40 seconds तक किया तो ये भी हो सकता है कि आपका कोई पैराग्राफ का कोई लाइन छूट जाएगी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो जो एग्जैक्ट जो गुड टाइम है वो यही है कि आप अपना पैराग्राफ 25 to 30 seconds में कंप्लीट करो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और ध्यान में रखने वाली बात है कि फर्स्टली तो आपने क्या करना है कि फॉर प्रैक्टिस आप रोज़ाना कम से कम 1 घंटा इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश बुक को पढ़ना है, अलाउड पढ़ना है। उसको आपने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करना है, तो उसके बाद उसको सुनना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर गलत है, कहीं पर आपने अच्छा नहीं बोला, कहीं इंटोनेशन का है, कहीं प्रोनंसिएशन का कोई प्रॉब्लम है, तो उसको फिर रिपीट करना है। ऐसे रोज़ाना करना है। ये वाली प्रैक्टिस आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और सेकेंडली जब आपने प्रैक्टिस भी करनी है PTE रीड अलाउड की, एक पैरा उसको सुनना है पहले, फिर उसको बोलना है, रिकॉर्ड करना है अपनी अपनी आवाज़ को, फिर उसको आपने फिर सुनना है, देखना है कहाँ पर मैंने वर्ड फंबल किया, कहाँ पर मेरी फ्लुएंसी ठीक नहीं थी। आपको अपने आप समझ आने लग जाएगी कि यह नहीं, यहाँ पर मैं गलत था। तो उसको रिपीट करो, तब तक रिपीट करो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये अब मैं ओके हूँ, अब ठीक बोला हूँ। ये एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। अगर आप ऐसा करते हो तो रीड अलाउड में 10-15 दिन में आपके परफेक्ट स्कोर हो जाएंगे। तो दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो टाइमिंग है वो जो जो पैराग्राफ की लेंथ है वो 60 वर्ड्स तक होती है, तो इसमें कोई ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ो ताकि वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं। बिकॉज आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से पढ़ो। आपने ये सोच कर पढ़ना है कि आप किसी फॉरनर को मिले हो, उससे बात कर रहे हो, तो आपकी आवाज़ में इंटोनेशन भी आएगी, प्रोनंसिएशन भी सही होगी। आपने ये सोचना है कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, किसी और किसी से बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी जब आप ये दिमाग में रख कर बोलोगे। तो रीडिंग स्पीड होगी, हाउ वी शुड रीड। तो रीड जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपकी फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन एंड इंटोनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इससे आपकी रीडिंग स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। हाउ वी कैन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश कोई भी बुक ले सकते हो, तो उसको रोजाना 1-1 घंटा पढ़ो, रिकॉर्ड करो, सुनो, फिर पढ़ो, फिर सुनो, फिर ऐसे करके आपकी जो रीडिंग्स जो आप जैसे आप रीड अलाउड करोगे तो आपके स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो जैसे जो रीड अलाउड है ये स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के स्कोर भी कंटेन करता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ये इजी लगता उतना है नहीं, बिकॉज आपकी छोटी सी गलती भी आपके स्कोर कम कर सकती है। तो सेकंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप एक पैरा पढ़ रहे हो, तो आपको लगा पढ़ते पढ़ते लगा कि नहीं यार ये तो मैं गलत बोल गया, लाइक इस पेज पर जैसे लिखा है सम क्वेश्चन स्ट्राइक इन आवर माइंड अबाउट रीड अलाउड। जैसे आपने पढ़ा सम क्वेश्चन इन आवर, अब आपको पता लगा स्ट्राइक जो मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो आप पीछे चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है, जो आपने गलत बोल दिया उसको छोड़ दो, आप कंटिन्यूसली आगे के जो आगे पैराग्राफ है उसको पढ़ो, पीछे वाला भूल जाओ, जो जो गलत बोला गया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पीछे जाके उसको बोलोगे तो कंप्यूटर को लगेगा ये इसकी फ्लुएंसी ठीक नहीं है, आपके फ्लुएंसी से मार्क्स कट हो जाएंगे। तो कभी भी उसको करेक्ट ना करो, आई मीन टू से कि उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जैसा भी आप बोल चुके हो वो ठीक है, बस उसको दोबारा दोबारा जाके उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। इन एक्चुअल एग्ज़ाम, मैं एक्चुअल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको ठीक कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इसकी आदत ना बनाओ। जब आप सोचो कि अब ये एक्चुअल एग्ज़ाम सोच कर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा कभी भी नहीं कि जब आपको कोई कोई वर्ड गलत मुँह से हो गया तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर वही टाइप कर लेगा। जब आप दोबारा उसको बोलेगा कंप्यूटर दोबारा टाइप करेगा, वो मैच नहीं करेगा, तो आपके स्कोर वो फ्लुएंसी से कट हो जाएंगे। तो ये तो इम्पॉर्टेंट टिप्स थे रिगार्डिंग PTE, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कितनी स्पीड रखनी चाहिए। अगर फिर भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।
आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.